नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। दोस्तों, इस समय हम अपना शानदार छोटा सीरीज चला रहे हैं हिस्ट्री डेली वन क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, इसका कैप्शन क्या है? तबाही 2023 एग्जाम करेगा। 2023 सिर्फ आपका होने वाला है, आप इस साल 2023 को फोड़ रहे हैं। दोस्तों, बी आर स्टूडेंट, हम सब स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के डिमांड पर हम अपना ये शानदार छोटा क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किसने न्यू लेंस फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जहां नरमपंथी राजनीतिक आलोचना प्रस्तुत की गई थी? तो हमने पहले ही आपको इसमें जो आपका आंसर है पहले ही बता दिया, अरविंदो घोष आपके करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। और हमने इंग्लिश के अभ्यर्थियों के लिए भी क्वेश्चन तैयार कर दिया है, तो जो इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं तो वो लोग भी अपना क्वेश्चन देख पाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें, अरविंदो घोष का भी योगदान काफ़ी माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। आप सब जानते हैं अरविंदो घोष को, जो लोग नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे अरविंद घोष को, जो कि बहुत बड़े एक दार्शनिक भी थे, आध्यात्मिक भी थे, राजगुरु भी थे, कवि भी थे, सब कुछ थे, महर्षि अरविंद घोष। आप सब जानते हैं इनका आश्रम पांडिचेरी में है। अरविंदो घोष ने न्यू लेंस फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जहां नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई। न्यू लेंस फॉर ओल्ड की को श्री अरविंदो घोष द्वारा लिखा गया था और 1893 को प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, जो न्यू लेंस फॉर ओल्ड है वह अरविंद घोष की पुस्तक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। न्यू लेंस फॉर ओल्ड वह अरविंद घोष की पुस्तक है, जो 1893 में प्रकाशित किया गया था। यह भारत के लिए एक दार्शनिक, योगी, गुरु, कवि और राष्ट्रवादी थे। इन्होंने अपने लेखों की एक श्रृंखला के माध्यम से राजनीति की आलोचना की गई थी। 1902 से 1910 तक श्री घोष ने ब्रिटिश राज से भारत के मुक्त करने के लिए संघर्ष में भाग लिए तथा इनकी राजनीतिक गतिविधियों के चलते इनको 1908 में कैद कर लिया गया और पांडिचेरी में इन्होंने आध्यात्मिक साधकों को एक समुदाय स्थापित किया, जिसने 1926 में श्री अरविंद घोष आश्रम के रूप में आकार दे दिया गया। बाद में वो पांडिचेरी चले जाते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको भगवान श्री कृष्ण दर्शन भी दिए थे अरविंद घोष को, आप सब जानते हो। बाद में पांडिचेरी चले जाते हैं, वहाँ अपना आश्रम बना लेते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर देते हैं। कौन? अरविंद घोष जी जीवन शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जो अरविंद घोष ने न्यू लेंस फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जहाँ नरमपंथी राजनीति की आलोचना प्रस्तुत की गई थी। न्यू लेंस फॉर ओल्ड को श्री अरविंद घोष द्वारा लिखा गया था और 1893 को प्रकाशित किया गया। यह भारत के लिए एक दार्शनिक, योगी, गुरु, कवि और राष्ट्रवादी थे। दोस्तों, ये था इनका आश्रम, ये पांडिचेरी है और ये है इनका, आप लोग आश्रम देख रहे हैं, अब जो अरविंद घोष का आश्रम है पांडिचेरी पर, इसे आप लोग इसे देख लीजिएगा। ये है इनका पूरा आश्रम, पांडिचेरी पर स्थित है और ये है अरविंद घोष जी, इनका पहला फोटो है। दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, मैं जानता हूँ आपके फ्रेंड के चलते। अगर पसंद नहीं आए हो तो फिर भी आप फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।